कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। ओम नमः शिवाय, श्री नीतरागाय नमः, ओम नमः तथी भुवनेश्वरी जी पारस्य कराय दो, गैस बोइस लाइट लाइट अपार्टमेंट लाइट तथी गणपति के अंदर सांग कांड। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के ऊपर अनन्य कृपा रखती हैं और हमारे साथ हमेशा इनका वात्सल्यमयी व्यवहार होता है। इसी क्रम में अभी ये पुरस्कार हो रहे थे तो आचार्य सौभाग्य सागर महाराज ने देखा और तुरंत अभी दो तीन चार दिन पहले एक समाधि हुई थी, समाधिस्थ आरिका सर्वश्रेष्ठ मती जी के नाम से यहाँ एक पुरस्कार प्रतिवर्ष एक विद्वान को दिया जाएगा और यह पुरस्कार सौभाग्य सागर संस्कार ट्रस्ट दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। ये पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की ग्रस्त अवस्था की माँ थी और उन्हीं की स्मृति में हमें यहाँ पर वो है कि हमें देखते हैं कि कचनेर में हमारे लिए जिनका मिलना हुआ था और वो पहले भी एक बार मिली थी तो अब हम लोगों के बीच में एक पुरस्कार अभी आज दिया जा रहा है और ये पंडित श्री मनीष जैन साहेगढ़ को यह पुरस्कार आज प्रदान किया जा रहा है। मनीष जी मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो यहाँ उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एक अच्छे पत्रकार हैं और यहाँ पर सारी न्यूज तैयार करके इन्होंने अनेक दैनिक पत्रों में प्रकाशित की है। सुनील संचय जी और इनका रोजाने का प्रचार प्रसार रहता है तो ये आए और इनको भी सम्मानित करेंगे। बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की जय। सर्वप्रथम मंच पर विद्यमान अपना मंगलमय सानिध्य और शुभाशीष दे रहे आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी मुनिराज, पूज्य गुरुदेव पुण्य सागर जी मुनिराज, समस्त आचार्य संघ विराजमान परम विदुषी आरिका माँ स्वस्ति भूषण जी और हमारे विद्वान समस्त आरिकाओं के चरणों में, छुल्लिका माता जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन समर्पित करता हूँ। श्रुति ज्ञान का बन कर निगम दे प्रेरणा कल्याण की, श्रुति ज्ञान का बन कर निगम दे प्रेरणा कल्याण की, शास्त्री सुयोग्य प्रदान कर रखे जो नीव उत्थान की, शास्त्री सुयोग्य प्रदान कर रखे नीव नित उत्थान की, नित देव शास्त्र गुरुओं की सेवा में जो परिषद मग्न है,
नित देव शास्त्र और गुरु की सेवा में जो परिषद मग्न है वो है तो फिर चिंता हमें किंचित न विधि विधान की वो है तो फिर चिंता हमें न किंचित है विधि विधान की माँ शारदे के पुत्र ये शासन के गौरव स्तंभ हैं माँ शारदे के पुत्र ये शासन के गौरव स्तंभ हैं सत्ज्ञान की ज्योति जलाते भोर का आरंभ है ओम नमः सिद्धेभ्यः मुलिक हजारात श्री आदिनाथ भगवान की मुलिक सोना गिर के चंद्र भगवान की सुधीर विद्वत जन तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र तत्वार्थ सूत्र सर्वमान्य है और अनेकों लोगों ने उसे याद भी किया है। दस लक्षण पर्व पर तत्वार्थ सूत्र की वाचना हर जगह होती है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने के बाद और सब शास्त्रों का अध्ययन करने में पूरा सहयोग मिल जाता है। उपस्थित विद्वत समूहजन आज परम सौभाग्य का दिन है। शास्त्रीय परिषद ने सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। प्राचीन विद्वानों के द्वारा नवोदित विद्वानों को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का एक प्रोत्साहन एक ज्ञान एक स्वाध्याय देकर के अपने जीवन में उनको बढ़ाने का एक उपक्रम जारी रखा है। प्राचीन काल की यह परंपरा है। जहाँ जहाँ भी हमारे साधु संतों का अभाव होता है वहाँ पर हमारे जैन समाज के विद्वत वर्ग जैन समाज को जागृत किया करते हैं और युवा पीढ़ी को अपने जीवन में स्वाध्याय से जोड़ने का एक सफल प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करते हैं। हम देखते हैं वर्तमान के अंदर जो है विद्वान बनना बहुत कठिन काम होता है। विरले भाग्यशाली जीव ही अपने जीवन में विद्वान बन पाते हैं और विद्वान बन पाते हैं तो वे अपने जीवन में समाज के लिए कुछ उपकृत क्रियाएं अपने वे जीवन में संपन्न किया करते हैं। महानुभाव निश्चित रूप से यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं वह सुनने वाले नहीं सुनाने वाले ज़्यादा हैं क्योंकि जब आप समाजों में जाते हो तो आपको सुनाना पड़ता है सुनने का अवसर तो कम प्राप्त होता है। आज जो शास्त्रीय परिषद हैं उनके द्वारा यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण का शिविर लगाया जा रहा है और माताजी ने बात बताई कि ये सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ दर्शनार्थ साधु संत आते हैं। उसी श्रृंखला में हमारा भी जो बिहार दिल्ली की ओर चल रहा है चतुर्मास के लिए दर्शन के लिए सोनागिराए और अधिवेशन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। जैनागम में कहा जाता है कि शास्त्र और शास्त्री
इन दोनों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि शास्त्र को पढ़ के शास्त्री यदि सही अर्थ निकाल लेता है तो लोग शस्त्र उठाने से बच जाते हैं, नहीं तो लोग सही अर्थ ना जाने तो शस्त्र उठा के लड़ने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। जिस तरह से एक नदी हुआ करती है, नदी के बीच में जल का प्रवाह होता है और उसके दोनों तरफ दो छोर होते हैं और बीच में जल प्रवाह चल रहा है। जब कभी एक छोर समाप्त हो जाता है तो जल बहकर अन्यत्र चला जाता है। उसी प्रकार से ये नदी में धर्म का जल बह रहा है, एक छोर संत हैं और एक छोर विद्वान हैं और दोनों के बीच में धर्म का जल बह रहा है और दोनों के बीच में धर्म सुरक्षित चल रहा है। शुद्ध प्राप्त करने के बाद इंसान की भावना क्या हो, शुद्ध प्राप्त करने के बाद इंसान का अभिमान बढ़े ना बल्कि उनका अभिमान समाप्त हो जाए, तो ये ज्ञानी का लक्षण हुआ करता है। और ज्ञान होने के बाद में अभिमान बढ़ जाए, सम्मान की भावना बढ़ जाए, तो मैं समझता हूं कि ये ज्ञानी का नहीं, उसके आगे आ लगाने से अज्ञानी का लक्षण हुआ करता है। आपने कई सारी गोष्ठी करी, कई सारे विद्वान आए, कई सारे संघ आए, लेकिन आज एक बड़ा प्रसंग ऐसा बन गया कि वर्तमान में तीन संतों की आचार्य परंपरा के साधु हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी, और इस मंच पर तीनों परंपरा के साधु संयोग बस उपस्थित हो गए। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परंपरा से हम हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण की परंपरा से मुरियाज पुण्य सागर जी हैं और आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी की परंपरा से स्वस्ती भूषण माता जी, तो ये भी संयोग बनता है। निश्चित रूप से विद्वानों को प्रशिक्षण देकर आप वह कार्य कर रहे हैं जो जिन धर्म की ध्वजा दिग्दिगांतर तक फैलाए रखेगी। और जो विद्वान विद्युत परिषद के शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, एक संयोग है कि यहाँ पर हमारे श्रेयांश जी भी हैं, जय कुमार जी भी हैं, जय जी हैं और स्वयं भारती जी, बाकी सबके मुझे नाम पता नहीं, सभी विद्वान हैं। और निश्चित रूप से मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति के कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति के सोचने समझने की बात अलग हो सकती है, लेकिन जब जिन धर्म की बात आती है, भगवान महावीर स्वामी की बात आती है, तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि हमारा जिन धर्म है और हमारा जैन धर्म है। तो जब ज्ञान की बात आती है तो उस समय कौन कहां से आया यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्ञान की बात में सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं कि ज्ञान हमारा है और हमारा ही रहेगा। ज्ञान प्राप्ति करने का तरीका अलग अलग है, ज्ञान को पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है। रास्ता कहीं पर भी हो लेकिन सभी का मन है कि हमें मुक्ति की राह पर जाना है और एक ना एक दिन मोक्ष मंजिल की सीढ़ी पर चलना है। आज यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह भी चल रहा, निश्चित रूप से पुरस्कार वितरण जो चयन समिति करती होगी वह आप सभी की प्रतिभाओं को देख कर, प्रतिभा को उजागर कर सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में से सामने लाया करती है। हर व्यक्ति हर तरह के कार्य में परंगत होता है, कोई शास्त्र में निपुण होता है, कोई शस्त्र में निपुण होता है, कोई मलम में निपुण होता है, कोई संगीत में निपुण होता है। और मैंने अधिकांश तक ये देखा है कि जो लोग हर तरह से पूर्ण तरह से निपुण हो जाते हैं उनके अंदर नम्रता विनम्रता बन जाती है। हमारे बीच में रूपेश भाई का उदाहरण है कि बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े लोगों के बीच में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आए तो ये उनकी निपुणता है कि पूरे संगीत में निपुण है, तो जहाँ अवसर मिलता है वहाँ पर ये नहीं सोचते कैसा माइक है, क्या है, क्या नहीं, अपना बोलना चालू करते हैं। तो ये गुरुजनों के प्रति सम्मान की बात होती है और यही ज्ञानी का लक्षण हुआ करता है। समय समय पर जो अध्यक्ष महोदय हैं श्रेयांश शास्त्री जी आया करते हैं, बुरहानपुर जब प्रवास रहा था तो सुरेंद्र भारती जी भी थे, तत्व चर्चा सात स्वाध्याय हुआ था और समय पर सभी विद्वान मिला करते हैं। साधु महाराज अपने ज्ञान के माध्यम से एक सीमित क्षेत्र में लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग समीचीन ज्ञान को अच्छे रूप से लोगों तक पहुँचाओ तो वह काम और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक पाषाण को सूर मंत्र देकर प्रतिमा बना देते हैं, वह एकमात्र प्रतिमा होती है, लेकिन आप लोग ये जो अनगढ़ पाषाण हैं इनको आप उठाकर विद्वान बना देते हैं तो अधिकांश लोगों में जाकर लोगों को धर्म की राह मिल जाया करती है। और यह काम आपका शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद आदि जो जो भी परिषद हैं, नाम लेना सबके संभव नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो प्राचीनता से शास्त्रीय परिषद चल रहा है,
पंडित श्रेयस जी, भैया अजय कुमार जी और जो लोग भी हैं, निश्चित रूप से सुनते हैं, सुनाते हैं कि बहुत सारे कार्य जहाँ जहाँ पर इनके द्वारा हो रहे हैं और इनके द्वारा पढ़ाए गए, सिखाए गए विद्वान जिन धर्म की बड़े से बड़े कार्य संपन्न कर रहे हैं। अभी मैं सोच रहा था, सब लोग अपना अपना महत्व बता रहे थे कि किस किस का क्या महत्व होता है। आप सभी का पुण्य संयोग है जो आप यहाँ पर सोनागिर पहुँचे, और जब पुण्य संयोग बन गया तो आपने क्या किया, पूजा भक्ति भी करना चालू कर दी। पुण्य संयोग बढ़ा तो क्या हुआ, पुण्य संयोग से सोनागिर पहुँचे, और जब बढ़ा तो पूजा भक्ति चालू कर दी, और पूजा भक्ति चालू कर दी तो आपने क्या किया, स्वस्ति वाचन भी चालू कर दिया। तो ये आपके जीवन का पुण्य है कि पुण्य से पुण्य सागर जी महाराज भी हैं, पूजा भक्ति भूषण माता जी हैं, और स्वस्ति पाठ कराने के लिए स्वस्ति भूषण माता जी भी हैं। स्वस्ति भूषण माता जी ने निश्चित रूप से, आपको बताऊं, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, हमारे जन्म के 40-42 साल पहले भी, पहले आदिनाथ भगवान के भक्त बहुत मिला करते थे, भगवान के भक्त 2400 के आज भी हैं। फिर एक समय आया कि पारसनाथ भगवान के भक्त मिला करते थे, और आज वर्तमान का समय कौन सा चल रहा है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का। देखिए, भगवान मरा माने तीर्थंकर बरा, लेकिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान का समय चल रहा है। और माता जी ने, मुनिश्वती दिल्ली में निर्माण भी हो रहा है, लेकिन माता जी ने जहाजपुर में जो निर्माण किया है, मैं समझता हूँ कि वो भारत देश की नहीं पूरे विश्व की अद्वितीय कृति है, कि वहाँ पर सारा का सारा काम कर दिया। और उन्होंने प्राचीन परंपरा को जागृत किया, कैसे कि लोग पहले आते थे तो कहते जहाज से इंसान आ रहा है, लेकिन आज जहाज बंद हो गया, प्लेनों से आने लगे, लेकिन माता जी ने पुरानी संस्कृति जागृत रही, इसलिए जहाजपुर बनाया कि तुम लोग जहाज से बैठकर दूर देश से आते थे, इसलिए जहाज नुमा वहां पर उन्होंने कार्य संपन्न कराया। आपको बताऊं कि 2400 भगवान हैं, और 2400 भगवान में कई सारे भगवान के चिन्ह जो हैं त्रियंच भी हैं, लेकिन उसमें से मुनि सुब्रतनाथ भगवान एक ऐसे हैं जिनका चिन्ह यदि मिल जाए तो लोग घर पे भी रखते हैं। कछुआ जो होता है, पहाड़ी कछुआ, लोग घर पे रखते हैं, जल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी शेर आ जाए तो क्या होगा, भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह है, सांप आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो सारे के सारे काम को संपन्न करते हैं। मुरियाज पुण्य सागर जी महाराज, जब हम लोग गोमटेश्वर बाहुली भगवान की यात्रा पर जा रहे थे, हम भी मुनि थे उस समय, बीजापुर में तत्पश्चात श्रवण दुर्गा में मिलना हुआ, माता जी से प्रथमतः ही मिलना हुआ है, लेकिन इनके विधानों को, खासकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो विधान हमेशा कराते हैं, तो इनकी किताब से पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी हैं, वो भी लगातार अनेकों अनेक कार्य कराते हैं, समागम होता रहता है, और आज निश्चित रूप से बहुत सारे विद्वान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मैं तो यही बात कहता हूँ कि ज्ञान आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान आने के बाद अज्ञान हट जाना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो ज्ञान को जीवन में उतारें, लेकिन अज्ञान को समाप्त करें, और जो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है वह नम्र विनम्र हो जाता है, वह शिष्टाचार पूर्वक रहता है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ सम्मान हो रहा है, आगे भी सम्मान होंगे, लेकिन कम से कम आप, माता ने स्वाध्याय का नियम दिया बहुत अच्छी बात है, आप पूजन का नियम दे रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कोई भी विद्वान हो उसके अंदर एक गुण जरूर होना चाहिए कि वो सप्त व्यसन का त्यागी हो। नहीं तो हम लोग सुनते हैं कई बार कि भैया महाराज जी तंबाकू का हमको त्याग कराते, बाहर पी के चले जाते हैं। तो ये कम से कम प्रत्येक संस्थाओं में ये नियम होना चाहिए कि विद्वान की पदवी जिसको दें, विधानाचार की पदवी जिसको दें, वह कम से कम सप्त व्यसन का त्यागी तो हो। इतना तो प्रयास आप सभी लोगों को करना ही चाहिए। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।